जय हिंद, वंदे मातरम। एग्री जर्नी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो भाई, एमपीपीएटी से रिलेटेड बहुत सारे डाउट स्टूडेंट्स ने पूछे हुए हैं, ठीक है। और जो डायरेक्ट आपका डिप्लोमा का एग्जाम होता है, इससे रिलेटेड भी बहुत सारी क्यूरीज स्टूडेंट ने जो है माइंड में चल रही है। तो सारे डाउट्स अपन इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। एग्जाम डेट के बारे में बात करेंगे, मतलब आपका एप्लीकेशन फॉर्म डेट कब आएगी, कब से फॉर्म भरना स्टार्ट हो सकते हैं और एग्जाम कब से यहाँ पे स्टार्ट होंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आपका एमपीपीएटी एग्जाम हो रहा है, ठीक है, ये कैंसिल नहीं हुआ है। आपका एमपीपीवीएफटी जो एग्जाम होता था वेटरनरी का, सिर्फ उसको ही कैंसिल किया गया है, उसको नीट के साथ मर्ज कर दिया गया है। लेकिन आपका एमपीपीएटी 2024 का एग्जाम होगा और जो डायरेक्ट आपका होता है, ठीक है, डिप्लोमा का जो एग्जाम होता है 2 ईयर्स का, वो भी आपका होगा, ठीक है। ये इनको इनके साथ कुछ भी छेड़छाड़ फिलहाल में नहीं की गई है। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन एक और दे दूं आपको, एमपीपीएटी क्लासेस आपकी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। मतलब लाइव क्लास रहेंगी आपकी, और टाइम में आप लोगों को ग्रुप पर बता दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाके ज्वाइन जरूर कर लेना। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप अपने डाउट आस्क कर सकते हो पर्सनली, ठीक है। तो क्लासेस आपकी जल्दी स्टार्ट होगी और हो सकता है कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो लाइव, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा, यूट्यूब पर लाइव रहेगी। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो, रिविजन करेंगे अपन, तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और जल्दी अपन टेस्ट सीरीज भी लेके आएंगे आपके एग्जाम के 1-2 मंथ पहले, आपको टेस्ट सीरीज भी देखने को मिल जाएगी। बात करें हम डाहेट की, तो डाहेट का एग्जाम आपका होगा, ठीक है। और कौन कंडक्ट करता है इन एग्जाम्स को, तो जो आपका एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड है, एमपीपीबी की ऑफिशियल साइट्स आपको दिख रही होगी, ये एग्जाम को कंडक्ट करती है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपका जो एग्जाम का शेड्यूल है वो फिलहाल में अभी आया नहीं है, जल्द ही यहाँ पे 2024 जो लिख के एक आपका नया कैलेंडर यहाँ पे रिलीज किया जाएगा, कौन कौन से एग्जाम्स होंगे, तो उसमें देखते हैं भाई क्या एमपीपीएटी आपकी एंट्रेंस एग्जाम उसकी डेट मेंशन करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। और डाहेट की साथ में डेट मेंशन करते हैं कि नहीं करते। वैसे आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए, प्रीवियस ईयर में जो आपका एग्जाम था एमपीपीएटी का, वो 12 जुलाई को कंडक्ट हुआ था, लेकिन इस बार थोड़ा सा जल्दी होने के चांसेस हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड थोड़ा सा एक्टिव है इस बार, है ना। तो इस बार जो है चांसेस है कि एग्जाम आपका जो है, हो सकता है मई या जून के आसपास एग्जाम हो, जुलाई तो नहीं जाएगा, ठीक है, मई या जून के आसपास आपका एग्जाम हो सकता है, मतलब डेट आ सकती है। इसके बाद आपको पता है 1 मंथ या 15 दिन के बाद आपका एग्जाम होता है। तो सबसे पहले डेट आपकी एमपीपीएटी की आई हुई है, हमेशा ही यही हुआ है, सबसे पहले डेट आपकी एमपीपीएटी की, इसके बाद आपकी जो डाहेट का डिप्लोमा होता है उसकी डेट आती है। आपकी ऑफिशियल साइट्स ये रही, है ना, जिसमें आप देख सकते हो 12 जुलाई को आपकी डेट आई थी। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपसे डिप्लोमा की, तो इसकी 27 जुलाई को डेट आई थी। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले एमपीपीएटी एग्जाम होता है, इसके बाद आपका जो है एनिमल हस्बेंड्री का जो डिप्लोमा होता है उसका एग्जाम कंडक्ट होता है। तो ये डाउट अपने दिमाग से निकाल दो, जो भी आपसे बोल रहा हूँ कि एमपीपीएटी एग्जाम नहीं हो रहा है, डेफिनेटली आपका एमपीपीएटी एग्जाम हो रहा है। प्रिपरेशन आप लोग अपनी बिल्कुल तेजी से करके रखो, ठीक है, सारे टॉपिक उनको कंप्लीट करो, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी। और अगर आपको सिलेबस, एग्जाम पैटर्न लगता है कहीं ना कहीं, तो मेरे को जरूर बताना, कमेंट बॉक्स ओपन है, तो मैं एक पर्टिकुलर आपके एक वीडियोस क्रिएट कर दूंगा एमपीपीएटी का एग्जाम पैटर्न, सिलेबस वगैरह, ठीक है। और आपका जो डाहेट का है, इसका भी आपके एग्जाम पैटर्न, सिलेबस वगैरह सब कुछ आपको डिटेल में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी एमपीपीएटी आपका शिफ्ट हो चुका है ना, रही आपका जो 2 एग्जाम है, एग्रीकल्चर और आपका एनिमल हस्बेंड्री। सबसे पहले एक बात ये बता दूं मैं, एमपीपीएटी क्यों यहाँ पे आईसीआर के साथ मर्ज नहीं हो सकता। सबसे पहला फैक्ट ये है कि आप लोगों को पता है कि एमपी में इतनी खास कोई कॉलेजेस नहीं है, आईसीआर अपने स्टूडेंट्स को ऐसे किसी कहीं भी नहीं भेजता है, ठीक है। आपको पता है एमपी में पन्ना कॉलेज हो गया, खुरे कॉलेजेस हो गया, रहली हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, ठीक है, गंज बसोदा हो गया। तो ये आपके इतने ज्यादा हाई लेवल पे डेवलप जो है सब कैंपस नहीं है जेएनकेबीवी के, ठीक है। एक बात ये हो गया, और सेकंड थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपके सब कैंपस बहुत ज्यादा है, तो डेवलपमेंट में भी कहीं ना कहीं बजट उतना सही बन नहीं पाता है, ये मेन कारण है इसके, ठीक है। बाकी नहीं तो पक्का यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स आपके आईसीआर के साथ मर्ज हो गए, है ना। अच्छा, एक बात और इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, एमपीपीएटी के साथ साथ आपको कुछ ऐसे एग्जाम्स भी हैं जो जरूर देने चाहिए, मैं डिटेल में आपको वीडियोस लेके आऊंगा। सिर्फ आप एक ही एग्जाम्स के लिए मत बैठे रहा करो कि सिर्फ एमपीपीएटी का एग्जाम देना है मेरे को, बस आईसीआर का एग्जाम दो। मैं कुछ और आपको ऐसे एंट्रेंस एग्जाम बताऊंगा जो कि आप दे सकते हो, अगर आपको बीएससी एग्रीकल्चर करना है तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे, आईसीआर एफिलिएटेड आपको कैंपस मिलेंगे, ठीक है। तो जल्दी एक वीडियोस लेके आऊंगा मैं, बाकी आप जो है एमपीपीएटी के प्रिपरेशन करते रहो। ऑलरेडी मैंने सिलेबस वगैरह बता रहे हैं, ब्रीफ में एक बार और आपको बता दूंगा, अगर आपको नीड है तो मेरे को जरूर बताना। ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना रखी हैं, सिलेबस बिल्कुल एकदम पूरे तरीके से डिफाइन कर रखा है,
मैंने एनिमल हस्बेंड्री जो आपका डिप्लोमा है उसका भी बताया हुआ है, ठीक है। और डेट्स के लिए आप हमेशा इसकी साइट्स को चेक करते रहिएगा, 2024 जो एग्जाम शेड्यूल जल्दी आपका रिलीज करेगा तो यहाँ पे इसको चेक करते रहिएगा, ठीक है। और रूल बुक आपका अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो रूल बुक भी आप इसको देख सकते हो, सब कुछ आपको इसकी ऑफिशियल साइट्स पर मिल जाएगा। रही ओल्ड पेपर की बात तो वो भी आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ आपको डिटेल में इनकी ऑफिशियल साइट्स पर मिल जाएगा, है ना। तो एक बार इसको चेकआउट कर लेना, होम पेज पर आपका यहाँ पे सब डिटेल में है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, और ये अपने दिमाग से निकाल दो कि एमपीपीएटी नहीं हो रहा है, डेफिनेटली आपका एमपीपीएटी 2024 का एग्जाम हो रहा है, ठीक है, डाहिट भी होगा तो मेरे को बताना, ठीक है। क्लासेस लेकिन स्टार्ट हो रही है, जो भी आपको डाउट हो आप मेरे से आस्क कर लेना, क्लासेस आपकी जल्दी स्टार्ट करेंगे अपन, तो जिसको भी इंटरेस्टेड है स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकता है। क्लासेस में आप सभी को पता होगा एमसीक्यूज वगैरह अपन सॉल्व करते हैं, डिटेल में चारों ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं, ना कि आंसर बता के आगे निकल जाते हैं, डिटेल में सॉल्व करते हैं ऑब्जेक्टिव को, तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।